नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज में आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं माँ यमुना के घाट पर, जिसमें आपको बताएंगे कि माँ यमुना का चुन्नी मनोरथ किस प्रकार से किया जाता है, किन चीज़ों की सामग्रियों की इसमें आवश्यकता होती है, माँ यमुना का चुन्नी मनोरथ किस उपलक्ष्य में कराया जाता है, क्यों कराया जाता है और इसकी क्या विधि है, इन सब की जानकारी लेंगे। मथुरा में आप घूमने आते हैं तो आप कई जगह जाते होंगे, यमुना जी, गिरिराज जी, बांके बिहारी, लेकिन एक विशेष बात मथुरा के घाटों पर देखने को मिलती है, वो है चुन्नी मनोरथ। तो आज इस विषय पर जानकारी आपको देंगे, बात करेंगे यहाँ के पंडितों से, पंडाओं से, जो इस चुन्नी मनोरथ को करवाते हैं। तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ पूरी जानकारी सुनने के लिए। चुन्नी मनोरथ, जिसमें माँ यमुना को चुनरी पहनाने की प्रथा है। मनोरथ का अर्थ है मनोकामना अथवा इच्छा। चुनरी का अर्थ आप जानते ही होंगे, जो भारतीय परिधान का एक अभिन्न अंग है। किसी भी घरेलू उत्सव में अथवा विवाह, मंगनी जैसे पवित्र आयोजनों में स्त्रियों को चुनरी ओढ़ाने की रीत है। यह सुहागन का अधिकार है। दिव्य नारी सुलभ पवित्रता का प्रतीक है। चुनरी मनोरथ में यमुना जी को चुनरी अर्पित की जाती है। उन्हें पावन मथुरा की देवी एवं कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। श्रद्धालु माँ यमुना को अर्पित करने के लिए अत्यंत लंबी साड़ी लाते हैं, जिसे वे कई साड़ियों को जोड़कर बनाते हैं। चुनरी मनोरथ को करने वाले गोपाल जी शास्त्री ने बताया कि इस मनोरथ में अधिकतर 101 साड़ियों को आपस में सिलकर यह साड़ी तैयार की जाती है। कभी कभी तो भक्तगण कम साड़ी या ज्यादा साड़ियों तक को जोड़कर लंबी साड़ी तैयार करते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है या मनौती होती है, उसी के अनुरूप माँ यमुना को साड़ी पहनाता है। इस लंबी साड़ी के एक छोर को इसी तट पर रखकर साड़ी को अनेक नौकाओं द्वारा पावन नदी के उस पार तक ले जाते हैं। गोपाल जी शास्त्री ने बताया, जो भक्त माँ यमुना से जो भी मांग कर जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होने पर वह सपरिवार मथुरा आकर माँ यमुना का चुनरी मनोरथ करता है। चुनरी मनोरथ का भाव राधा रानी से जोड़कर देखा जाता है। चुनरी मनोरथ में सबसे पहले गणेश पूजन, कलश पूजन, कुलदेवी पूजन, नवग्रह पूजन, यमुना कृष्ण पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके बाद साड़ियों को इस छोर से उस छोर तक लेकर जाया जाता है। चुनरी मनोरथ करके लौटने पर यमुना जी की आरती की जाती है। इस चुन्नी मनोरथ के मनोरथ की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं गोपाल लाल जी। गोपाल जी से बात करेंगे, शास्त्री जी हैं, उन्होंने इस चुन्नी मनोरथ का कार्य भी कराते हैं, पूजन कराते हैं, कैसे होता है चुन्नी मनोरथ इनसे जानते हैं। तो गोपाल जी, सबसे पहले बताएं चुन्नी मनोरथ का महत्व क्या है। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, बोल गोपाल जी महाराज की जय। ये चुन्नी मनोरथ का महत्व है कि जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है या कोई अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए यमुना जी की प्रार्थना करता है कि हम आपको 16 श्रृंगार चुन्नी ओढ़ाएंगे, तो यमुना जी उनकी मनोकामना मनोरथ पूरी करता है। इसके भाव में ये यमुना जी को चुन्नी पहनाते हैं। चुन्नी का ये मतलब है कि जिस प्रकार
राधा रानी अपना श्रृंगार करती है कि एक छोर एक कमर पर, दूसरा छोर दूसरी कमर पर लगाती है। उसी प्रकार यमुना जी का एक छोर इस किनारे से लेकर एक छोर उस किनारे पर जाता है और यमुना जी इस पूरे शरीर में उस साड़ी को पहनती है। यही यमुना जी का चूड़ी मनोवत का महत्व है। इसमें सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। यमुना जी और गिरिराज जी इसमें प्रधान हैं और उनकी पूजन करने के बाद में यमुना जी को विधि विधान से पंचामृत का स्नान है, अभिषेक है, दूध है, रोरी चावल कंकु मेहंदी है सभी चढ़वाते हैं। उसके बाद में साड़ी पूजन और नाप का पूजन, नाप के आने के बाद में हम आरती करवाएंगे, आरती होने के बाद में संकल्प और अनेक प्रकार की कोई भजन संध्या करवाता है, कोई और भी मतलब अपनी अपनी पार्टी करता है यहाँ पे, तो ये सब बाद में है। यमुना जी का यही चूड़ी मनोरथ का महत्व है। जय श्री कृष्ण, जय राधे। में कितनी साड़ियों का प्रयोग किया जाता है? ये यमुना जी के फाट के बराबर होता है। जिस प्रकार यमुना जी चढ़ने के चढ़ जाती हैं, यमुना जी ऊपर आ जाती हैं तो 100 भी साड़ी लगती हैं। इस समय 51 साड़ी का ये फाट है, 51 साड़ियों में ये मनोरथ हो जाता है। इस समय सामग्री की बात करें तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसमें? रोरी चावल है, हल्दी है, मेहंदी है, अमीर है, गुलाल है, कुमकुम है और फूल माला घी शहद बूरा सभी सामग्री इसमें आती हैं। इसी सामग्री मिठाई है, फल है, इसी सामग्री से यमुना जी का ये पूजन किया जाता है। कितने पंडित लोग कर मिलकर इसको करवाते हैं? पंडित भैया एक भी करवाता है, 11 भी आती हैं, 5 भी आती हैं। जिस प्रकार पार्टी बुलाती है उसी प्रकार पंडित आते हैं। छोटा मनोरथ है तो उसमें एक भी है, थोड़ा बड़ा मनोरथ है तो उसमें 2 हैं, उससे ज़्यादा मनोरथ तो इसमें 5 हैं। इस समय जयपुर से पार्टी आई हुई है, इस पार्टी में 5 पंडित हैं, 5 पंडितों के द्वारा ये पूजन कराया जा रहा है। चुन्नी मनोरथ कराता है, अपनी मनोकामना लेकर आता है या इसका फल और भी कुछ है, और भी महत्व है कुछ? मतलब ये जो अपनी मनोरथ लेके आता है, जिसको ऐसे लड़की की शादी है, शादी हो गई उसकी, उसके उस उपलक्ष्य में कराता है या कोई उसका काम नहीं बन रहा है तो बोलता है यमुना जी मैं आपका ये मनोरथ कराऊंगा, उसका मेरा पूरा करना, उसके भाव में भी ये कराता है। चूड़ी गृह पूजन के लिए भी होता है इसको? इस समय सबसे पहले इसमें गणेश जी का पूजन है, उसके बाद में कलश पूजन है, उसके बाद में अपनी कुलदेवी माता का पूजन है, नवग्रह पूजन है और यमुना और कृष्ण इन सभी का पूजन किया जाता है। मेरा नाम रितु गुप्ता है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब जयपुर से आए हैं। नहीं नहीं, हम सब परिवार के हैं, सभी एक खंडेलवाल परिवार से हैं सब। ये हाँ मनोरथ था जो पूर्ण हुआ है, जिसके लिए इन्होंने चुंदरी चढ़ा रहे हैं, आज ही प्रोग्राम कराया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आनंद आया। आज की जानकारी में आपने जाना माँ यमुना का चुंदरी मनोरथ। चुंदरी मनोरथ मथुरा में ही देखने को मिलता है, अन्य कहीं जगहों पर इसके कोई भी कार्य देखने को नहीं मिलते। इसकी विशेषता है कि पूरे देश से जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, मथुरा आते हैं और चुन्नी मनोरथ मथुरा में आकर करवाते हैं। जो इनकी मनोकामना होती है, जैसा कि पंडित जी ने बताया अभी, कि जो उनकी मनोकामनाएं जो यमुना जी से मांग कर जाते हैं कि उन्हें चुन्नी पहनाई जाएगी, यदि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मथुरा आते हैं, सब परिवार आते हैं। आज भी यहाँ चुन्नी मनोरथ जो हो रहा था हमने देखा, सब परिवार कहीं बाहर से आए हुए थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, माँ यमुना को चुन्नी पहना रहे थे। तो कैसी लगी आपको जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम आपके लिए इस तरह की रोचक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। फ्रेश फूड
शुद्ध व सात्विक भोजन। वृंदावन में भोजन का आनंद प्राप्त करें। निकट कृष्णा कुटी, वीआईपी रोड, परिक्रमा मार्ग, वीआईपी पार्किंग से 100 मीटर आगे जुगल घाट वृंदावन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन फैक्ट्री।